अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। यहाँ सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे रूपा जी से कि अब एग्री कम्युनिटीज का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे कॉटन से। रूपा जी, कॉटन में हमने 42,000 के ऊपर ट्रेड होते हुए देखा था कल के कारोबारी सत्र में, आज देख रहे हैं कि 42,000 के ऊपर ही सस्टेन है। हालांकि हल्की सी करेक्शन बनती जरूर नजर आ रही है, लेकिन बहुत ही मामूली सी करेक्शन है। कॉटन का अप्रैल वायदा तो 4200 के ऊपर है, वहीं मई वायदे की बात करें तो मई वायदा 43,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से विदेशों में तेजी है और हाजिर में अच्छी मांग है, घरेलू वायदा में भी अच्छी खासी कीमतें हैं, तो क्या कॉटन की और कपास, क्या दोनों की कीमतों में अभी आगे और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है? क्या अभी भी कॉटन में तेजी बची हुई है? देखिए, बिल्कुल कॉटन में जो तेजी है वो अभी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगर हम कॉटन के रिटर्न पर नजर डालें तो लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में भी कॉटन ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, और 6-7% का रिटर्न एक हफ्ते में आता हुआ दिखाई दिया, और एक महीने में 15% का रिटर्न आया है, और एक साल का अगर देखें तो 25% की तेजी कॉटन में देखने को मिली है। जबकि पिछले एक साल में कॉटन ने 105% तक का रिटर्न दिया है। इस साल की अगर हम बात करें तो 25% की तेजी है जनवरी से लेकर अब तक, और अगर पिछले एक साल की बात करें तो 105%, यानी कि ओवरऑल कमोडिटी सेक्टर में देखा जाए, एग्री कमोडिटीज में, तो कॉटन एक ऐसी कमोडिटी रही है जिसने बहुत अच्छा और बेहतरीन रिटर्न दिया है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी की उम्मीद नहीं बनती, और जहां पे तेजी का जो रुझान बनता हुआ दिखाई दिया है, दरअसल जो कमजोर सप्लाई है, मजबूत डिमांड है, इस वजह से कीमतों को सपोर्ट मिला, और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग छिड़ी उसका भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट कॉटन की कीमतों को आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि क्रूड महंगा हुआ जिससे कॉटन की कीमतों को सपोर्ट मिला। तो ऐसे में अब देखा जाए तो प्रोडक्शन भी देखें तो 3.5% के आसपास पिछले साल के मुकाबले कम बताया जा रहा है, और इन्वेंट्री भी कम है इसका कॉटन का, और यूएस में एक्सपोर्ट डिमांड भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि 30-35% तक डिमांड जो है यूएस में बढ़ती दिखाई दी है, और यूएस से चीन की भी एक्सपोर्ट डिमांड काफी मजबूत हुई है। लेकिन अभी यहाँ से एक दबाव यहाँ से आना संभव है, क्योंकि चीन में कोरोना के वेरिएंट के बढ़ने के चलते काफी जगहों पर अब हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन लगता दिखाई दिया है, और एक जो चीन की तरफ से डिमांड निकलती थी, जो एक सपोर्ट आ रहा था, वहां से थोड़ा सा बाजार सुस्त होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से कॉटन की कीमतें थोड़ा सा थमती हुई नजर आए। ओवरऑल फंडामेंटल काफी मजबूत है, और रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है जितना एक्सपेक्टेड था। अब यहाँ से काफी रिस्की रहेगा बाइंग के लिए, लेकिन बाजार जो है एक रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, एक सीमित दायरे में फिलहाल ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। फ्रेश बाइंग में अगेन कहूंगी कि यहाँ पर लेना काफी रिस्की रहेगा, फ्रेश बाइंग नहीं लेना चाहिए। जिनके पास माल रखा है वो उसे जैसे जैसे बाजार में तेजी का रुझान बढ़ रहा है, कुछ कुछ माल 10-15% अपना लिक्विडेट करते थे। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने कल के कार्रवाई सत्र में 4-4% की करेक्शन बनती देखी थी। बिनौला खल जो 3300 के ऊपर सस्टेन हो रखा था पिछले 4-5 दिनों से, अब वो 3031 के लेवल्स पर फिर से निचले वाले लेवल्स पर आ गया है। ऐसे में आपकी क्या राय रहेगी, और आपको क्या लगता है जो बिनौला खल में गिरावट बनी है वो क्यों बनी है, और क्या अब बिनौला खल में फिर से तेजी लौटेगी, या फिर बिनौला खल इसी मंदी के दौर में रह जाएगा? अब देखिए, मैंने पहले भी बताया था अखिलेश कि मुझे बहुत ज्यादा तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है, ना तो कॉटन में और ना ही बिनौला खल में। कॉटन में जरूर उसका फंडामेंटल काफी सपोर्टिव रहा जिसकी वजह से सपोर्ट आया, उसी की वजह से बिनौला खल टूट नहीं रहा था, और हमने देखा कि 3300 तक वापस ऊपर उछला। लेकिन अब देखिए, जैसे ही कॉटन में हल्की नरमी दिखाई दी तो बिनौला खल में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई, और 3100 के आसपास हम इसको अपग्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बिनौला खल में प्रेशर जो है वो बन सकता है, और 3000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर 3000 के नीचे लुढ़कता है तो ज्यादा बड़ी गिरावट आ सकती है, अदरवाइज 3000 के आसपास सपोर्ट ले सकता है मार्केट। जी, ये सर जी बात करें अगर मसालों की, तो देख रहे हैं कि धनिया 10,700 के ऊपर है वही सुस्ती के साथ, और जीरा देख रहे हैं 21,000 के ऊपर है, हल्दी भी 8,600 के ऊपर। रूपा जी, मसालों में देख रहे हैं सीमित दायरे में कारोबार आज भी देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है क्या अगर मसालों में फ्रेश बाइंग लेनी है तो क्या अभी मसालों में थोड़ी और गिरावट का वेट करना चाहिए, क्या मसालों में यहाँ से अभी थोड़ी और नरमी आएगी?
देखिए अभी थोड़ा सा नरमी का रुझान बना रह सकता है, लेकिन ये लेवल्स भी अट्रैक्टिव हैं। अगर हम देखें हल्दी, तो हल्दी के अंदर ये लेवल काफी अट्रैक्टिव है, जहां पर हम बाइंग जो है छुटपुट बाइंग शुरू कर सकते हैं। अभी 8700 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है नीचे में 8500, मैंने शायद कल भी बताया था कि 8500-8600 के आसपास हल्दी में बाइंग पोजिशन बनानी शुरू की जा सकती है। तो आगे चलकर रुझान तेजी का बन सकता है और 9200 से 9800 के स्तर हल्दी में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर जीरे की बात करें तो जीरे में ऑलरेडी काफी ऊपरी लेवल है और नीचे में सपोर्ट 20,000 का है, तो उसके आसपास जो है वो फ्रेश बाइंग आ सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए जिनका बाइंग है वो होल्ड कर सकते हैं, और फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, नीचे करेक्शन पर बाई किया जा सकता है। धनिया में भी मुझे लगता है कि 10,000 के आसपास सपोर्ट है, और 10,000 के आसपास ही फ्रेश बाइंग की तरफ जाना चाहिए। और अभी बाजारों का ट्रेंड पॉजिटिव है, छुटपुट गिरावट आती है तो वहां पर खरीदारी की रणनीति बनाकर चलना चाहिए। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में हमने कल के कारोबारी सत्र में ठीक ठाक तेजी बनते हुए देखी थी। आज देख रहे हैं कि ग्वार गम का परल वादा 12,000 के ऊपर ही सस्टेन है और ग्वार सीड 6300 के ऊपर। रूपा जी जिस हिसाब से ग्वार गम ग्वार सीड कंसिस्टेंसी के साथ अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं आगे तेजी की ओर, तो आपको क्या लगता है क्या ग्वार गम अब यहां से 12,000 के बाद 13,000 का भी लेवल दिखा देगा, और क्या ग्वार सीड 6600 के भी पार चली जाएगी? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि ग्वार में तेजी बनी रह सकती है, लेकिन अब थोड़ा सा बाजार करेक्शन में भी जा सकता है, क्योंकि क्रूड में जो गिरावट आई है उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी फिसलन हम ग्वार में भी आते हुए देखें और बाजार जो है इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे। देखिए 12,000 के ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी रहती है तब जाकर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 13,000 से 15,000 की तेजी में भी मार्केट जा सकता है और सीट 6500 तक ऊपर जा सकता है। तो ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करें तो अभी तो फिलहाल बाजार पॉजिटिव नजर आ रहा है, नीचे में फिर भी अगर यहाँ से लुढ़कता है तो 11,000 तक एक बार नीचे लुढ़क ले सकता है, और 11,000 के आसपास वापिस से हम फ्रेश बाइंग आते हुए देख सकते हैं। 10,800-11,000 ये सपोर्ट लेवल है नीचे के, और ऊपर में 12,800 के ऊपर निकलेगा तो आप फिर एक लंबी तेजी इसमें 15,000 तक की देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल न्यू बाइंग नहीं लेना चाहिए और जिनके पास रखा है वो होल्ड करके चल सकते हैं। जी यहीं से रूपा जी बात करें कैसे के बाजार की, तो कैसे का बाजार देख रहे हैं ऊपरी स्तरों पर एक सीमित दायरे में ही देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से चाइना में लॉकडाउन है और अगर लॉकडाउन हटता है तो क्या डिमांड कुछ बढ़ सकती है कैसे की? देखिए अभी तो फिलहाल डिमांड जो है वो थोड़ा कम होते हुए दिखाई दिया, जो एक्सपोर्ट पिकअप हो रहे थे वो कहीं ना कहीं अब रुकते हुए से दिखाई दिए, जिसकी वजह से बाजार भी रुक सा गया है। और अभी यहाँ पर 7,000 नीचे में स्तर दिख रहा है, एक बार 7,000 से नीचे बाजार लुढ़क सकता है, और ऊपर में 7500 अगर तेजी आरसीपी है तो 7500 तक मैक्सिमम आ सकती है। तो मेरे हिसाब से एक बार कैप्चर में अभी फ्रेश एंट्री से बचना चाहिए, और जिनका रखा हुआ है वो भी एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें, क्योंकि नीचे में एक्सपेक्टेड है एक बार 7,000 तक लुढ़क सकता है। जी ये सर जी बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो विदेशी बाजार में देख रहे हैं कि हम खाद्य तेलों में नरमी आ रही है अब धीरे धीरे करके। यूएस सोयाबीन वायदा देख रहे हैं 1700 से लुढ़क कर अब $1650 पर आ गया है, $50 की नरमी देखने को मिली है। बाकी खाद्य तेलों की बात करें तो बाकी खाद्य तेलों में भी विदेशों में गिरावट बनती नजर आ रही है, जबकि जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग है। आपको क्या लगता है एडिबल ऑयल्स में अब ये जो नरमी बन रही है वो क्यों बन रही है फंडामेंटल्स अच्छे होने के बावजूद? देखिए अभी थोड़ा सा कंसर्न जो है वो चाइना का कंसर्न काफी आगे निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी भी ट्रेंड जैसा कि फंडामेंटल हम देख रहे हैं वो काफी सपोर्टिव है, और उसके चलते आगे चलकर तेजी का ही रुझान एक्सपेक्टेड है कि बन सकता है। और अभी मार्केट जो है थोड़ा वो सुस्ती में जरूर आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पिछले हमने कुछ दिनों में तेजी भी देखी, काफी एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेजी भी देखने को मिली है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस एक अच्छी खासी रैली आई है। और अब यहाँ से बाजार जो है थोड़ा बहुत अगर लुढ़कते भी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि वापस से, क्योंकि देखिए फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है, और जब सप्लाई कम है और डिमांड अभी भी निकल रही है, और आगे चल के अब आप देखेंगे अभी जो नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद जो शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, फिर एक खाद्य तेलों की डिमांड जो है डोमेस्टिक लेवल पर भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि तेजी बन सकती है, और अभी छुटपुट गिरावट है, इस गिरावट के अंदर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। जी रूपा जी सोयाबीन में क्या लगता है आपको, वायदा में तो हमने NCDX पर 7950 तक सोयाबीन को ट्रेड होते हुए देख लिया है, फंडामेंटल्स भी मजबूत हैं, ब्राजील में भी जो उत्पादन है काफ़ी कम बताया जा रहा है और वैश्विक उत्पादन भी कम रहने के अनुमान अभी से ही लगाए जा चुके हैं, तो इसी बीच आपको क्या लगता है अगर आगे डिमांड काफ़ी अच्छी बनी रहती है तो क्या सोयाबीन 8,500 या 9,000 के भी लेवल दिखा देगी? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। देखिए अभी जो ये तेजी बन रही है तेलों के दामों में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि दक्षिण भारतीय
राज्यों की तरफ से हम देख रहे हैं कि सूरजमुखी के तेल की खपत काफी ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से क्योंकि अभी ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, इसकी वजह से सप्लाई काफी डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से सूरजमुखी के तेल की खपत बढ़ती हुई दिखाई दी है। और अब यहाँ पर हमें यही समझना होगा कि अगर किसी भी एक खाद्य तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका सीधा असर दूसरे खाद्य तेलों की कीमतों पर आता हुआ दिखाई देता है। अगर सनफ्लावर की कीमत बढ़ेगी तो उसका रेट उसका इम्पैक्ट जो है वो कनोला के ऊपर पड़ेगा, और इसके कनोला अगर तेज होगा तो उसके चलते फिर सोयाबीन के तेलों में भी तेजी देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो ओवरऑल बाजार में सिनेरियो जो अभी बना हुआ है सभी एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर एक की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो उसका असर सीधा दूसरे तेल के ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। और इसी तरह से अगर पाम की कीमत बढ़ती है तो इसके चलते बाकी हम दूसरे तेलों की कीमतों में तेजी देखते हैं। तो फिलहाल जो सिनेरियो है वो पॉजिटिव ही है और एक्सपेक्टेड है कि आगे चलकर तेजी बनी रह सकती है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं जो शुगर पर एडवाइस चाह रहे हैं। रूपा जी, खबर निकल के सामने आई थी कि सूत्रों के हवाले से खबर थी कि ऐसा हो सकता है, सरकार ऐसा फैसला ले सकती है कि जो शुगर का जो एक्सपोर्ट हो रहा है इस समय वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो घरेलू सप्लाई है उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ सकता है। जो निर्यात हो रहा है वो अनियंत्रण तरीके से हो रहा है, जिसकी कोई हिसाब किताब नहीं है, कितना भी निर्यात हो जा रहा है तेजी को देखते हुए। तो ऐसे में मार्केट में ऐसे खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि सरकार चीनी के निर्यात पर कुछ पाबंदी लगा सकती है, कुछ कैप लगा सकती है कि इतनी लिमिट तय कर दी जाएगी, इससे ज़्यादा इससे अधिक निर्यात नहीं किया जाएगा चीनी का। तो अगर ऐसा होता है या फिर चीनी को लेके कुछ भी फैसला आता है, प्रोडक्शन जैसे देखने ठीक ठाक है, एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है, तो इसी बीच चीनी का बाजार कहाँ पे जा सकता है? देखिए जैसे कि फंडामेंटल अभी आपने डिस्कस किया कि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रहे हैं, नो डाउट एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो निकली है। पिछले 6 सालों में हमने देखा था कि बाजारों में इतनी डिमांड नहीं थी जितनी अब एक्सपोर्ट पिकअप होते हुए दिखाई दी है, और इसका असर घरेलू बाजार की कीमतों पर आना तय है। और सरकार बिल्कुल इसको रोकने के लिए प्रयास कर रही है, और ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है कि सरकार एक शुगर के एक्सपोर्ट को एक लिमिट लगा सकती है, यानी कि 80 लाख टन के आसपास जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है मार्केट में, जो खबरें निकल कर आ रही है कि 80 लाख टन तक सीमित कर सकती है शुगर के एक्सपोर्ट को, जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि ये अप्रैल ऑनवर्ड ये ऐसा कोई अपडेट आ सकता है। और अगर ऐसा आता है तो चीनी की कीमतें वापस से फिर नीचे आती हुई दिखाई देंगी, और एक रेंज जो हम देख रहे हैं उस रेंज में फिलहाल बाजार जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। और देखा जाए तो अभी फिलहाल जो सरकार के पास अगर स्टॉक की बात करें तो 60 से 70 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक के साथ अभी फिलहाल नए सीजन की शुरुआत सरकार करना चाहती है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और ताकि डिमांड को पूरा किया जा सके। और आगे अब चलकर आगे हम देखेंगे शादियों का सीजन भी आएगा, फिर नए अगले त्यौहार शुरू हो जाएंगे, दिवाली, दशहरा, इस तरीके के सारे त्यौहार जो है फिर इस साल के स्टार्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। और अब जिस तरीके से स्थिति बनती हुई दिखाई दी है, कोरोना भी ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म होता दिखाई दी और सारी चीजें वापस से खुल चुकी हैं, तो इसके चलते एक बार फिर से अगर ये सारा सिस्टम ठीक रहता है तो चीनी की डिमांड जो है वो फिर से पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि एक्सपोर्ट के चलते यहाँ पर कीमतों में कोई जबरदस्त उछाल देखने को मिले, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एक्सपोर्ट के ऊपर बिल्कुल एक लिमिट तय की जा सकती है, और अगर ऐसा होता है तो कीमतें फिर से कंट्रोल में आती हुई दिखाई देंगी, और अब फिलहाल यहाँ से कीमतें सीमित दायरे में कारोबार करती दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, चीनी के साथ साथ कल को हमने दालों के ऊपर भी एक बड़ा फैसला आते हुए देखा। सरकार ने उड़द और अरहर दाल दोनों का जो इंपोर्ट है उसको फ्री कैटेगरी में डाल दिया, यानी कि जब अब आयात होगा तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि आयात करने में कुछ परेशानी हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, सरकार का पहले स्टॉक लिमिट लगा देना, दलहन बाजार सेबी द्वारा चने को NCDX पर बैन कर देना, फिर मूंग का आयात करना, विभिन्न देशों से आयात की बातचीत जारी रखना, और अब अरहर और उड़द को फ्री कैटेगरी में डाल देना इसके आयात को, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में भी दालों के बाजार पर ऐसी मंदी वाला माहौल छाया रहेगा? देखिए गिरीश, हमने जब भी डिस्कस किया मैंने बिल्कुल यही बोला है कि दालों में जो है वो गिरावट बनी रह सकती है, क्योंकि दाल, चीनी, ये ऐसी चीजें हैं जिन पर सरकार और तेल इनकी कीमतों को कंट्रोल करने की हमेशा कोशिश की जाती है कि ताकि आम आदमी को मुसीबत का सामना ना करना पड़े। और अभी जो सरकार ने फैसला लिया है उड़द और तुअर दाल को लेकर कि इसका इंपोर्ट जो है फ्री कैटेगरी में रखा गया है ताकि यहाँ पर दालों की कमी ना हो,
इस वजह से इम्पोर्ट को फ्री कर दिया गया है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि तुअर और उड़द दाल के इम्पोर्ट जो इम्पोर्ट को एक साल के लिए पहले बढ़ा दिया गया था और अब इसको बिल्कुल ही फ्री कैटेगरी में कर दिया गया है, और ताकि कीमतों को आगे ज्यादा बढ़े ना, क्योंकि जो प्रोडक्शन हमने देखा है वो अप्रोक्सीमेटली 3.25 करोड़ टन के आसपास दालों का एक्सपेक्टेड है 2021-22 में देखने को मिल सकता है। तो सरकार ने बिल्कुल ये फैसला इसलिए लिया है कि दालों की कीमतों को कंट्रोल में रखा जा सके, और भारत क्योंकि भारत जो है जो भारत के अंदर डिमांड निकलती है उसका 10% बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है। और आगे चलकर एक्सपेक्टेड है कि दालों का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सकता है, और इसके ऊपर सरकार काफी जो है मिशन के साथ कारोबार कर रही है। एक NFSM लागू किया गया है जिसके चलते दालों के ऊपर एक पॉलिसी सरकार लाएगी, और पॉलिसी में उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे स्टॉक किया जाए, इस तरीके के काफी जो है अवेयरनेस किया जाएगा, जिससे कि दालों की जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से उसको कम किया जा सके और अपने यहाँ पर ही दाल तेल इन सबका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा किया जा सके। तो ये विजन को लेकर इस तरीके का अभी जो है वो देखने को मिल रहा है सिस्टम, और इसकी वजह से हमने अभी पीछे देखा कि तुअर दाल का जो प्राइस था वो MSP के ऊपर चल रहा था, इस वजह से भी ताकि कीमतें और ज्यादा ना बढ़ जाए तो सरकार ने ये स्टेप उठाया, और अब इसका असर सीधा सीधा बाजार पर ये देखने को मिलेगा कि बाजारों में दालों की कीमतों पर उठाव आता हुआ नजर नहीं आएगा, और लगातार अब बाजार जो है वो प्रेशर में देखने को मिलेंगे। आपको दालों की कीमतों में अब जो लगातार हमने पिछले साल तेजी देखी वो अब कंट्रोल में आती हुई दिखाई देगी, और अब दालों में यहाँ से कोई भी तेजी का रुझान बनता दिखाई नहीं दे रहा है। जी ये सर जी बात करें अगर पोटैटो की आलू की, तो आलू का उत्पादन देख रहे हैं इस बार बम्पर है, अब नवरात्रे भी आ गए हैं, और ऐसी भी खबरें हैं कि जो कोल्ड स्टोरेज हैं वो भी आलूओं से एकदम भरे पड़े हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या आलू की कीमतों में यहाँ से अभी तेजी आएगी डिमांड के चलते नवरात्रों की, या फिर ज्यादा उत्पादन रहने के चलते और ज्यादा डिमांड रहने के चलते जो बाजार है वो ऐसी सीमित दायरे में एक जगह स्थिर हो जाएगा? देखिए काफी जगह पर हमने जहां पर प्रोडक्शन की बात है कि आलू का प्रोडक्शन अच्छा खासा है, वहीं कुछ मंडियों में आलू के प्रोडक्शन में गिरावट भी देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद प्राइसेस में हमने पिछले 15 दिनों में देखा है कि लगातार 300 रुपए तक की गिरावट जो है वो देखने को मिली है, और अभी कुछ एक जिलों में हमने देखा है कि बुआई भी अच्छी हुई है, और इस बार लगातार बारिश की अच्छी बारिश होने की वजह से भी फसल में थोड़ा सा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो आलू के दाम अभी फिलहाल जो है वो एक गिरते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनती दिखाई दे रही है कि कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं है और किसान जो है अपना आलू उन्हें पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर है। अभी नवरात्रों के चलते थोड़ा सा सपोर्ट हो सकता है देखने को मिले, लेकिन बाजार जो है वो गिरता हुआ आगे चलकर दिखाई देगा। वहीं कुछ किसान जो है ऐसे भी मांग कर रहे हैं कि आलू का भी MSP घोषित हो, ताकि उनको एक जो है एक परमानेंट एक वैल्यू जो है वो उस कमोडिटी की मिल पाए। तो अभी फिलहाल जो सिनेरियो है वो काफी नेगेटिव है, और अभी चलकर बाजार में आगे थोड़ा सा प्रेशर आलू के अंदर बना रह सकता है। जी रूपा जी टॉपिक्स के देना चाहेंगे आप एग्री कम्युनिटीज में जिनमें अच्छा मुनाफा कमा कर चला जा सकता है आज भी और आने वाले समय में भी? पहले देखिए अगर आने वाले समय की बात करें तो मेरी पिक अभी भी मसालों में रहेगी कि आप मसालों में आने वाले समय में अगर थोड़ा सा ओरिजन लेके चले लंबा आउटलुक, तो आप मसालों में खरीदारी कर सकते हैं, और बिकवाली करनी है तो आज बिनोला खल में बिकवाली की जा सकती है, और वहीं ग्वार गम और ग्वार सीड में भी गिरावट पर खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी साझा करने के लिए। तो यह था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कम्युनिटी बाजार में कहां पर किस कम्युनिटी में कमाई के मौके हैं, और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट MCV पर।